जय हिंद एस दिस इज अहिर एंड वेलकम बैक टू एस बी क्रैक एग्जाम्स आज के इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट से रिलेटेड चंद से एमसीक्यूज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है मैं आपसे डैम श्योर ये गारंटी दे सकता हूँ कि इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद आपको ओवरऑल ऑलमोस्ट ऑल सभी फंडामेंटल राइट्स पर एक क्लैरिटी आ जाएगी क्विक रिविजन भी हो जाएगा और साथ किस तरीके से स्मार्ट वर्क से भी हम एमसीक्यू सोल्व कर सकते हैं फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्वेश्चन हमारे लिए पूरी तरीके से क्लियर है पूरी छह कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट हमें देखने को मिलते हैं तो वो पूछ रहा है कि कौन सी कैटेगरी नहीं है Right to equality, we already have it. Right to freedom, we already have it. Right to citizenship, we don't have that. Right against exploitation be one of the categories of fundamental rights he had. तो छह फंडामेंटल राइट की कैटेगरी हमें देखने को मिलता है आर्टिकल ट्वेल्व से लेकर थर्टी फाइव पार्ट थ्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम राइट अगेंस्ट एक्सपोर्टेशन राइट टू रिलीजियस फ्रीडम कल्चरल एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज लेकिन कहीं पर भी राइट टू सिटीजनशिप हमें देखने को नहीं मिलता

विच ऑफ़ द फॉलोइंग प्रोवाइड फॉर कम्प्लीट इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन इन इंडिया आर्टिकल फोटीन एंड फिफ्टीन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्य स्केड्यूल ऑफ इंडिया फिफ्थिट ऑफ इंडिया इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट एंड आर्टिकल ट्वेंटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ईजी क्वेश्चन है राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल फोर्टीन एंड फिफ्टीन ये दोनों ही है जो राइट टू इक्वालिटी इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन के बारे में बात करते हैं अगेन मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊं तो आर्टिकल 14 प्रोवाइड करता, be करता है किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को इक्वालिटी द लॉक्ल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉस विध इन द टेरिटोरी ऑफ इंडियाइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अभी आपने देखा 14 15 दोनों हमने मिलाकर कहा लेकिन अब यहाँ पर इंडिविजुअली पूछा जा रहा है आर्टिकल फोर्टीन सिक्सटीन या ट्वेंटी आर्टिकल 14. जैसा कि मैंने अभी कहा कि आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी जाएगी एवरी वन आर इक्वल आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है किसी को रीजन सेक्स एक्सेट्रा रिलीजन या, या, या फॉर रीजन आप उस पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते सो आंसर ए इज द राइट आंसर चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विध रिस्पेक्ट टू फ्रीडीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन इन इंडियाल से पूछ रहा है इट इज एनशोर्ड इन पार्ट थ्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरे फंडामेंटल राइट पार्ट थ्री में ही आते हैं इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट टू एक्सप्रेस वन थॉट फ्रीली सर तो फिर फंडामेंटल राइट का मतलब ही क्या देखिये फंडामेंटल राइट सैक्रोस एंड दे आर नॉट एब्सल्यूट कल को आप जाकर एग्जाम्पल दे रहा हूँ हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़ा करवा के कोर्ट में जाके आप नहीं कह सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो मुझे फ्रीडम दिया गया है ना मैं क्यों ना इस्तेमाल करूं स्पीच तो उस स्पीच पर भी पाबंदी है ताकि एनिमिटी ना बढ़ाई जाए कुछ गड़बड़ी ना हो विद इन दैट फोल्ड फोल्ड रहकर ही आपको आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा यस दैट इज नॉट एब्सोल्यूट एंड इट कैन बी सस्पेंडेड इन एमरजेंसी बिल्कुल सही आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है जब एमरजेंसी लगाई जाती है अंडर आर्टिकल three hundred fifty two national emergency. Okay? So all of the statements are actually correct. Which one of the following was added as a fundamental duty to the Constitution 86th Amendment Act 2002? So to strive towards excellency in individual and collective activity, to educate to one's child between the age of six and fourteen years.

वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर सेफ गार्डिंग अगेंस्ट आप किसी पब्लिकल बॉडी के पास जा रहे हो तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बाई वॉट अथॉरिटी सो कोई भी पब्लिक ऑफिसर्स को गलत चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता उसे सेफ गार्ड करने के लिए आप क्यों वॉरेंटो का व्रिट जो है वो जारी कर सकते हैं दूसरा हाईकोर्ट कैन इशू अडमस टू कंपेल मैंडमस का मतलब क्या है वी ऑर्डर वी ऑर्डर मैंडमस का मतलब वी ऑर्डर हम ऑर्डर दे रहे हैं वी ऑर्डर टू कंपेल अ कोर्ट और जुडिशियल इट अगर मान लो कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मना करता है किसी एक केस को सुनवाई करने से तो हाई कोर्ट उस पर नो डाउट मैंडमस का ब्रिट जारी करके बता सकता है कि क्यों तुम नहीं ले रहे हो तुम इसे रिफ्यूज नहीं कर सकते लेकिन क्वेश्चन का ट्रिक यहाँ पर स्टेटमेंट्स नहीं है क्वेश्चन का ट्रिक यहाँ पर है

सिटीजनशिप का मेरा लेक्चर अगर आपने देखा हो तो वहां पर भी मैंने डिस्कस किया कि टू काइंड ऑफ यू नो पीपल हमें देखने को मिलेंगे <coughs> एक तो सिटीजन दूसरे एलियंस एलियंस में भी अगेन हमें टू टाइप्स देखने को मिलेंगे एक फ्रेंडली एलियंस और एक एनिमी एलियंस ठीक है जो इंडिया का नहीं है उसे हम एलियन कहते हैं सो ओनली सिटीजन के लिए ही अवेलेबल है वो कौन सा फंडामेंटल राइट right है इज दट आर्टिकल ट्वेंटी टू ये स्ट्रेट अवे फैक्चुअल क्वेश्चन था आर्टिकल इज द राइट आंसर

अभी मान लो कि केरला के, के हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है ऑर्डर नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिशन का व्रिड जारी कर सकते है, चर, कर, कर करके उन्हें रोक सकता है कि भाई आप जजमेंट ना दीजिएगा ये मामला हमारा है हम देखेंगे तो ये दोनों व्रिड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस अंडर विच अमॉन्ग द आर्टिकल या 16, ये भी स्ट्रेट अवे ही आंसर है इसका आर्टिकल फोर्टीन ज्यादा था टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस अब देखिए बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं तो रिजर्वेशन का भी कॉन्सेप्ट आप देख लो यू नो व्हेन वेन इक्वल्स शुड बी ब्रॉट ऑन यू नो ऑन द सेम प्लेटफॉर्म वहाँ कहीं ना कहीं हमें टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस रखना चाहिए आप यू नो आउट ऑफ द प्रोपोर्शन भी बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि आर्टिकल 14 को कॉन्ट्रोविन वो करता है सो so, यहाँ पर जुडिशल बॉडीज चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो हाई कोर्ट हो एक्सेट्रा वो टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस को इस्तेमाल करते हैं राइट टू वो एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज ये कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है ऑलमोस्ट ऑल हर सरकारी एग्जाम में एक ना एक बार हमें ये क्वेश्चन देखने को मिलता है और कई बार बच्चे गलत इसका आंसर लिखते हैं Right to vote and to be elected is neither a fundamental right nor a natural right. You can classify that as a constitutional right. क्योंकि आर्टिकल 326 में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी हमें दिया गया देखिए लीगल राइट भी अब है लेकिन साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्योंकि थोड़ा बहुत सुपीरियर राइट हो राइट होगा कॉन्स्टिट्यूशनल तो आर्टिकल 326 यूनिवर्सल की बात करता है तो वहां पर हम किसी को भी मना नहीं कर सकते वो हैज नो दुएट क्वालिफिकेशन अठारह साल के ऊपर जो कोई भी है रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड जेंडर एक्सेट्रा हैव टू बी गिवन द चांस टू वोट मतदान देने का अधिकार उन्हें देना चाहिए

लॉजिक पर ज्यादातर डिपेंडेंट है रेदर देन नॉलेज अभी मैंने आपको कहा कि एनिमी एलियन को कुछ भी नहीं मिलता एनिमी एलियन हम कहेंगे किसे मान लो कोई चाइनीज सिटीजन इंडिया में जी रहा है किसी काम से वो आया हुआ था बिजनेस या एजुकेशन के लिए सडनली इंडिया चाइना के बीच वॉर प्रोक्लेम हो गया तो वो सिटीजन वो बंदा जो इंडिया में रह रहा है वो हमारे लिए एनिमी एलियन बन जाएगा अब एनिमी एलियन को अधिकार आप दे, दे, दे दोगे ही किस लिए सो अगर क्लेवरली अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को भी मार गिराओगे ना

ठीक है अभी गड़बड़ उसने की नहीं है करने के पहले ही उसे डिटेन कर रहे हैं तो ऐसे दो कैटेगरी वाले लोगों को आर्टिकल ट्वेंटी होता जहां पर अरेस्ट और डिटेंशन को लेकर सर्टन प्रोटेक्शन फंड़मे, के तहत को दिए जा चुके हुए हैं विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब एज मैग्ना कार्ट ऑफ इंडिया पार्ट वन टू थ्री फोर बहुत ही आसान है ऑफ कोर्स फंडामेंटल राइट्स को ही हम मैग्ना कार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं दैट इज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट right एक्सप्लाइटेशन अभी हमने देखा छह कैटेगरी ऑफ राइट उसमें भी था सो, सो, नहीं कर सकते आप किसी को भी आर्टिकल ट्वेंटी दोनों ऐसे आर्टिकल्स हैं जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन के लिए यूनाइटेड नेशन और उनके एजेंसी को किस तरीके की इम्यूनिटी हमें दी जाती है डिप्लोमेटिक सिविल क्रिमिनल या जस्टिस इम्यूनिटी एंड द करेक्ट आंसर इज हैं वहां के जितने भी लोग आते हैं तो प्रोवाइड की जाती है तो लॉ नहीं बनाता वो बस को वो करता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को पास कर सकता है जो कि टेम्पररी लॉस हैं प्रेसिडेंट लॉस पास नहीं करते वो लॉ को असेंट देते हैं तभी जाकर एक बिल एक्ट बनता है तो अल्टीमेटली इट इज पार्लियामेंट पासस परमानेंट लॉस अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट इवन अ प्राइवेट बॉडी और एन एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ स्टेट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंगल आर्टिकल ट्वेल्स से लेकर थर्टी फाइव तक फंडामेंटल राइट्स है और आर्टिकल ट्वेल्व डील करता है स्टेट के डेफिनेशन के साथ देखिये वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें अब्रप्टली दिया गया है लेकिन उस डेफिनेशन को सुप्रीम कोर्ट वालों ने सही तौर पर समझाया कि किसे हम स्टेट की तरह देखेंगे सरकार हो पार्लियामेंट हो लेजिस्लेचर हो लोकल अथॉरिटीज हो म्युनिसिपैलिटी कुछ भी हो दैट वर्क्स अलोंग विद स्टेट और दैट वर्क्स अलोंग विद गवर्नमेंट एक्सेट्रा, इवन वो प्राइवेट एजेंसी भी क्यों ना हो जो कि uh, सरकार के साथ मिलकर काम कर क्यों ना कर रही हो वो भी यहां पर स्टेट के डेफिनेशन में ही आएगी विद रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पढ़ के देखते हैं सम ऑफ देम आर अवेलेबल टू सिटीजंस ओनली बिल्कुल क्योंकि चंद अभी हमने जैसा कि देखा देर आर कपल ऑफ सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू ओनली बाकी के पूरे सभी के लिए अवेलेबल है. है. Right. है ना फंडामेंटल ऑफ लिमिटेशन फॉर गवर्नमेंट बट डायरेक्ट प्रिंसिपल्स आर लाइक दे आर पॉजिटिव इंजेंशन वो पुश करते हैं आगे सम ऑफ अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स बिल्कुल सही

डायरेक्ट प्रिंसिपल फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल राइट मोर दैन वन ऑफ द करेक्ट आंसरेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि वो बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत चंद आर्टिकल दिया हुआ है पूछ रहा है, 25, right, right के अंदर ही है ये आर्टिकल ट्वेंटी

आर्टिकल डैश इज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा हुआ था कि आर्टिकल थर्टी टू राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमडीज जो है वो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी फंडामेंटल राइट हैं वो एनफोर्सबल हैं जस्टिस यू नो एनफोर्सबल हैं कोर्ट ऑफ लॉ में और वो कोर्ट ऑफ लॉ जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है वो इन्हीं आर्टिकल थर्टी टू के तहत व्रिट्स जारी करके हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमें दिलाता है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉन जस्टिसबल राइट यानी कि उल्लंघन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते ठीक right 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 है राइट टू अडिक्त लाइवलीहुड राइट अगेंस्ट एक्सपोर्टेशन राइट ऑफ अक्यूज राइट टू इक्वालिटी आंसर इज राइट टू अडिक्त लाइवलीहुड ये डी पी एस पीस का हिस्सा है फंडामेंटल राइट का हिस्सा नहीं है और ये नॉन जस्टिसबल है बाकी के बोरे अभी हमने देखा ना राइट टू अक्यूज आर्टिकल 22 के तहत डिटेंशन और अरेस्ट के चलते हमें चंद प्रोटेक्शन दिए गए तो अक्यूज के भी राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स जो कि जस्टिसबल हैं शोषित शोषण होने के खिलाफ ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी देखा राइट टू इक्वालिटी ठीक है एटीन ये सभी राइट टू तो इक्वालिटी के अंदर ही आते हैं और ये सभी जस्टिसबल हैं डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बेगार बेगार यानी कि बेगार्स लेबर पेमेंट साउथ इंडिया में इसको वेट्टी चाकिरी भी कहते हैं किसी को बिना उसकी परमिशन के या फिर फोर्सफुली उसको लेबर में काम में रखना उसे बहुत ही कम पे करना या फिर उसे पे ही नहीं करना ठीक है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का तो आपका पता है जो धंधा किया जाता है इंसानों का खासकर छोटे बच्चों का लड़कियों का ठीक है सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है आर्टिकल ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फोर एंड द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल ट्वेंटी थ्री

एस एस बी क्रैक एग्जाम के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं